अय्यर, मैं यहाँ अपने नए गेस्ट हाउस पर इंटीरियर डिजाइनिंग करवाने के लिए आया हूँ। अगर इसे शूटिंग और पार्टियों के लिए रेंट पर देना शुरू कर दे तो सोने के दाम की तरह जल्दी जल्दी रेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन बार बार रेंट बढ़ाने पर क्या लोग उतना किराया देंगे? अरे छोड़ दो भाई, हमारे गेस्ट हाउस में इंटरेस्ट रखने वाले एक नहीं हजारों मिलेंगे। तुम अपनी जानकारी के फिल्मों के मैनेजरों से बात करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। एक्सक्यूज मी, अय्यर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नमस्ते सर। आप लोग कौन हो बेटी? गोल्डन ग्रीन इंटीरियर से कॉल किया था ना सर। ओ, तो तुम लोगों ने कॉल किया था। कल ही बताया था ना कि कॉन्ट्रैक्ट दूसरे को दे दिया। एक बार और सोच कर देखिए ना सर। कुछ नहीं हो सकता बेटा, कुछ नहीं। प्लीज सर। नमस्ते सर। नमस्ते सेठ। हम इन हाउस इंटीरियर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से आए हैं। अगर आप एडवांस देंगे तो हम घर का एड्रेस ही बदल देंगे। यस। देखा ना सर, काम देने पे ओल्ड हाउस को न्यू हाउस में बदलने के बजाय एड्रेस बदलने की बात कर रहा है। इनको काम कैसे दे सकते हैं सर? हे भगवान, ये कौन है यार जो अपने बुड्ढे पर टोरे डाल रही है? गोल्ड ग्रीन के लोग है भाई, हमारे काम पर हाथ डाल रहे हैं। हाँ हेलो मैडम, काम पूरा करने का मतलब हम दिल लगा के और पूरी स्पीड से काम करेंगे, और वैसे भी डील हो चुकी है इसलिए आप। पहले काम किसे दिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन अच्छे से काम करेगा ये इम्पोर्टेंट है। आपके कपड़े देखकर ही समझ आ रहा है कि आप कितने अच्छे से काम करेंगी। हाँ। चीप बातें करने वालों को हाई कल्चर के बारे में क्या पता होगा? अरे बाप रे, खाली स्प्रे बोतल में पानी डालकर लगाने वाले भी हाई कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात है रे बाबा। हेलो, बकवास बंद नहीं की ना तो काट डालूंगी जबान। सर अपना घर हमें दीजिए, अच्छे से काम करेंगे, प्राइस भी कम कर देंगे। सर सर, जिनसे अच्छा काम नहीं होता वही पब्लिसिटी करने के लिए प्राइस कम करते हैं, बेकार की स्कीम बताते हैं। इनकी बातें मत सुनिए सर, आपकी हमसे डील हो चुकी है ना तो काम हमें ही दीजिए। नहीं सर, ये लोग अपनी बातों से आपको बेवकूफ बना सर, रहे हैं। आप मानो या ना मानो बिल्लियां खंभे ही नोचती हैं, आप हम पर भरोसा कीजिए सर, विश्वास कीजिए सर प्लीज। सर फुटपाथ पे घूमने वाले भिखारी हैं ये लोग, अगर इन पे विश्वास करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। तुम लोग चाहे जितना झूठ बोल दो, काम हमें ही मिलेगा। अगर सच और झूठ का फर्क पता होगा तो कॉन्ट्रैक्ट हमें ही देंगे। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, यहाँ काम हम ही करेंगे। यहाँ काम हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। अरे तुम लोगों के झगड़े में मैं इधर पर फंस गया हूँ, तुम दोनों को ही काम दूंगा। जो अच्छा काम करेगा उसको 70% और दूसरे को 30%। आपस में दोनों बातचीत करके एक एग्रीमेंट बना लो। अगर झगड़ा ही करना है तो इधर से चले जाओ। इधर आओ। हमें मंजूर है सर। हमें भी मंजूर है सर। ओके, ये लो चाबियां। मुझे दीजिए। अरे रुको। पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं बीच बीच में आके चेक करता रहूंगा, ठीक है? ओके सर। आप चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है चलो। इतने बड़े घर को देखकर डरने का नहीं, हमें क्या काम करना है कैसे काम करना है ये मुझसे देखकर सीखो। अरे पागल अब क्या देखते ही रहोगे, चलो अंदर। Oh, my God.
पर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। पार्टनरशिप करके तो बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो हमारी बैंड बच जाती। छोटेलाल, ए छोटेलाल, तुम फिनाल मिलाओ और तुम डे लाओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। और सुनो, तुम्हारा कमीशन मुझे देना, आकर बताता हूँ। घर में जाले होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो जाले में घर है। बकवास, क्या यार क्यों बुलाया? तू इतनी जल्दी वहाँ कैसे चला गया? क्या यार, कब से तो मैं उन्हीं के साथ खड़ा होकर बात कर रहा था। वैसे अच्छा दिख रहा हूँ ना मैं? यहाँ पर इतने जाले क्यों? चूहे की आवाज नहीं थी, मेरी थी। माय नेम इज छोटे लाल और बाप का नाम बड़े लाल। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मधु। मधु मधु सुंदर मेले में आधे भाव में मिले शिमला एप्पल की तरह। मधु तुम भी सुंदर हो, मैंगो गार्डन में पके हुए आम की तरह। ये स्पाइसी कचौड़ी कौन है? कचौड़ी नहीं, किसमिस। किसमिस? ये भी मर्द ही था, पर तुम्हारी तरह हरकतें करने लगा, इसलिए ऐसा बना दिया। सच? अच्छा हुआ, वरना बेकार का बोझ लेकर घूमना पड़ता है ना डार्ली। चुप, तुम मुझे जानते नहीं हो। My name is... तुम्हारे बारे में मुझे सब पता। वैसे अगर हम लोग एक हो जाएं, तो हमारे हार्ट्स भी एक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यार, मैं उस टाइप का हुई नहीं। चल हट। I want him. लगे रहो। स्मेल कैसी है? ऊपर काम करेंगे, तुम अंदर क्लीन करो और हम बाहर क्लीन करेंगे। ग्राउंड फ्लोर तुम्हारा, फर्स्ट फ्लोर हमारा, समझ गए ना तुम? इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब घर में बैठकर बर्तन धोना नहीं होता है। एक्चुअली दैट साहब गेव द वर्क 50-50, सो यू डू 50%, आई डू 50%। यू गिव कोऑपरेशन, आई गिव कोऑपरेशन। यू शो डिटरमिनेशन, आई शो डिटरमिनेशन। इफ आई गेट इरिटेशन, देन आई विल गिव टेंशन। टोटली कंसंट्रेशन, इरिटेशन, डिटरमिनेशन चेंजेस दिस हाउस इनटू। भाई, ये सनी लियोन को बीच में क्यों ला रहे हो? रात में वही देख रहा था। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? वैसे हमारा भाई इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है। हाँ, इंग्लिश फिल्म में देखेगा तो इंग्लिश बोलेगा ही। भाई, अब रात में फोन में देखा था या लैपटॉप में देखा? पोस्टर में देखा था यार। हेलो माँ। हाँ बोलो। क्या बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, एक नया काम ले लिया है, फिलहाल उसे मैं बिजी हूँ। अच्छा, तेरे लिए जो नवरत्न की अंगूठी बनवाई थी वो पहनी क्या? हाँ पहन ली है। ध्यान रख बेटा, पंडित जी ने बताया था आने वाले 4 दिन तेरे लिए बहुत भारी हैं। क्या माँ, आज के दिनों में भी भविष्यवाणी अंगूठियाँ? ठीक है, लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। पूर्व दिशा में मत सोना, ठीक है? पूर्व दिशा में नहीं सोना चाहिए, पश्चिम दिशा में। अरे ठीक है माँ, सो जाओ, गुड नाइट, लव यू। दिमाग खराब है, आज के जमाने में भी भविष्यवाणी अंगूठियां, पत्थर वगैरह वगैरह। चीयर्स। ओए, लड़कियों के रहते पी रहे हो तुम लोग? अच्छा, लड़कियों के रहते? डोर ओपन करके देख ले। ए, लड़कियां भी दारू पी रही हैं।
हे प्रभु, इस बड़े बच्चे को ज्ञान के साथ साथ लोक ज्ञान का भी प्रसाद दे देना। अरे वहाँ उन लोगों ने ब्रीजर प्लान किया है, हमने यहाँ पर बियर प्लान किया है, तेरा प्लान क्या है? तू तो हमसे भी तेज है यार। यार दुखों को भूलने के लिए लड़के दारू पीते हैं, और पता है लड़कियां क्यों दारू पीती है? क्यों यार? लड़कों को कैसे परेशान करना है ये सोचने के लिए। मार में और थप्पड़ में फर्क पता है क्या तुझे? क्वार्टर पीकर ऐसे कोटेशन करोड़ों आते हैं। ये ले लिस्ट, इसमें जो पेंट ब्रश हैमर कीले दीवार पर चिपकाने के लिए सेक्सी वॉलपेपर, अगर कल दोपहर तक नहीं आए ना तो अभी का हैंगओवर तुझ पे कल उतारूंगा। तू फिकर मत कर यार, मैं हूं ना। अरे रुक जा यार, दो गलतियां एक साथ ही करेगा। कहीं का पीना बंद करके जल्दी से सो जाओ। चल Excuse me, मुझे नींद नहीं आ रही, कंपनी दोगे क्या? हे भगवान, लड़की फंस गई। कहाँ गई? शायद ऊपर रोमांस के लिए गई है। वहीं क्यों रुके? आओ। क्या हुआ? तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं आ सकती क्या? क्या यार, अगर इसकी सेटिंग मेरे साथ हो जाए तो सनसेट में भी रेन डांस होगा। सच में? ये मूर्ति है ना? मधु, मैं आ रहा हूँ। क्या ये तुमने ये जो ड्रेस पहनी है उस पर ये म्युनिसिपैलिटी काम सूट नहीं करता है? अगर तुम मुझ पर 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट करोगी तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तुम बस मुझे हाँ कह दो और मैं तुम्हें हाँ हाँ कह दूंगा, और उसके बाद हम लोग डांडिया खेलेंगे। अच्छा ठीक है, पहले वो ब्रश दो। ये लो। इडियट। वैसे मुझे ब्रश किसने दिया? नीचे तो कोई था ही नहीं। ए छोटे। हाँ। इधर आता हूँ आता हूँ। क्या हो गया? जगन कहीं दिख नहीं रहा है। तुमने तो उसे कहा था कि शहर जाकर सामान ला, तो वही लाने गया होगा। ठीक है, लेकिन तू क्या कर रहा है? मैं तो उस पर लाइन मार रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब दीवार पर लाइन बनाकर पेंट को अलग कर रहा हूँ। जितना किया ना उतना काफी है। चल अब और बहुत सारे काम बाकी हैं। अब तू वॉचमैन के पास जा और उसे यहाँ बुला। आपके लिए सारी तकलीफें उठा। हाँ दिख रही है, मेरी सारी तकलीफें दिख रही है। पहले जितना बताया है उतना कर। मेरी तकलीफ ये नहीं समझ पाएगा और वो तो कभी नहीं समझ पाएगी। खाऊंगा तो बनूंगा, खाऊंगा तो बनूंगा। सिक्स पैक है। इसका यहाँ रहना सही नहीं है। शिफ्ट। इसको रखता हूँ। चुप
चिप्स का पैकेट कहाँ गया? चिप्स? अब मेरा पैकेट यहाँ? कुछ तो गिरा था लेकिन दिख नहीं रहा। खाऊंगा तो होऊंगा। बाप रे, ऐसे दिखा रही है जैसे दुनिया का सारा काम यही करती हो। क्या कर रहा हूँ? मैं तो रबिंग कर रहा हूँ, दिखता नहीं है क्या? रबिंग कर रहे हो या मुझ पे पत्थर फेंक रहे हो? सुंदर लड़की देखी नहीं कि शुरू हो गए। तुम इतनी अच्छी आइटम भी नहीं हो जिसे काम छोड़कर मैं लाइन मारता फिरूं। और जिस पर मैं पत्थर फेंकूंगा वो कम से कम मिस वर्ल्ड तो होनी चाहिए। ओहो, तो कितनी मिस वर्ल्ड है तुम्हारी लिस्ट में? विजयनगर में विजय, पाली हिल में पद्मा, राजा मंडी में रानी और वाराणसी में वाणी। अगर मैं ऐसे ही बताता जाऊँ ना तो ना ही लिस्ट खत्म होगी और ना ही मेरी लवर्स। तेरी तो मुझसे कहे स्टोरीज बना ली। मार क्यों रही हो? अरे रुक, अरे मजाक कर रहा था। वैसे तुम तो वोडाफोन के नेटवर्क की तरह मेरे पीछे ही घूमती हो ना। तो और क्या करूं, प्यार तो कर लिया, शादी के नाम से भागते हो तुम, इसीलिए तो हाफ पार्टनर बन के आई हूँ यहाँ पे। बताओ ना, हम शादी कब करेंगे? सब कुछ होने के बाद शादी करने का क्या मतलब है? तुम भी ना चिल्लाओ मत, सबको पता चल जाएगा। पता चल गया। चुरा के दिल मेरा गोरा चला चुरा। ओए माँ, इतने दिनों बाद मेरा राजा अकेला मिला है। मेरा राजा। चुरा के दिल मेरा गोरा चला। Naughty boy. पॉकेट में कितना कुछ रखता है पर मुझे जो चाहिए वो है कि नहीं? पॉकेट में पूरा सब्जी बाजार लगा के रखा। इसे अभी बताता हूँ। ऐसे क्यों सोया हुआ है? बाजवाट ना। मैं यहाँ कैसे मच्छर काट रहे हैं? अबे सोना, नींद नहीं आ रही है, प्ले स्टार्ट करें क्या? अगर ज्यादा बातें करेगा ना तो तेरे को कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं, सो जा। ज्यादा बात करेंगे तभी तो दिल की बात। राजा, राजा। मुझे कोई समझता ही नहीं है। बदमाश, पहले तो गुस्सा हो गया और फिर मेरे पास आया है, अभी बताता हूँ। आ, 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 आ,
चद्दर में अकेले क्या कर रहा है? तुम बाहर क्या कर रहे हो? किसी के साथ करेगा सोचा था, लेकिन तू तो अकेले ही। संजू क्या हुआ यार? ये देवदास कौन है? ये क्या इसका नाम पेंटिंग गिरी है। डिफरेंट पेंटिंग बनाकर अट्रैक्ट करने में बहुत माहिर है, इसलिए इसे यहाँ बुलाया गया है। पीना शुरू करने के बाद ही वर्क स्टार्ट करने की इच्छा हुई तो सोचा कि उतरने से पहले ही पहुँच जाऊँ मैं। ये पेंटिंग करने वाले की तरह नहीं, डे नाइट नॉनस्टॉप पीने वाले की तरह दिख रहा है। वर्कर का सम्मान नहीं, ड्रिंकर का सम्मान करना सीख लो। मैं यहाँ आकर गिरू या वहाँ आकर गिरू, लेकिन काम लेकिन मैं 100% करता हूँ। तुम ऐसे क्यों? इधर एम इधर एफ बीच में तुम स्लैश, इसीलिए आज मेरी जिंदगी क्लैश हो रही है। सही कहा। ऐसा क्या? तो फिर ठीक है, आज से उसकी जिम्मेदारी तेरी, ठीक है ना? चलो बहुत लेट हो गए हैं, हम लोग अपना अपना काम देखते हैं, ये उसको देख लेगा। अरे भाई कौन सी ब्रांड है ये? पेरे को मिलना चाहिए वो ये सब ब्रांड मैं नहीं देखता। हेलो 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 हेलो, बहुत पी लिया, अब चलो काम शुरू करते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं। तुम सभी आई हो, यहाँ से गए नहीं? यहाँ पे सेटल हो गए क्या? हेलो तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे हो? अरे भूतों से बात कर रहा हूँ। क्या भूत? क्या भूत है? क्या तू इंसान है या जानवर? अभी तक तो एक बच्ची यहाँ पे ऐसे 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 नाच रही थी और एक भूत यहाँ पर ऐसे 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 नाच रही थी। अबे मुझे भूत दिखाई देता है बे पागल। तूने मुझे तेरे जैसे बेवड़े के पीछे लगा दिया, वो तो वहाँ पर आराम कर रहे और मैं तेरे साथ यहाँ पर भूत की मगजमारी कर रहा हूँ। बकवास करता है। तुझे एक बार समझाने से समझ भी नहीं आता। अबे यहाँ भूत रहते हैं बे, वो मुझे दिखाई देते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं वो फिर आएंगे। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? हेलो। नमस्ते शर्मा साहब। मनी अरेंज करने को कहा था ना, तुमने फोन क्यों नहीं किया? मेरे घर का चुपचाप इंटीरियर डिजाइन करवा रहे हो ना, तो मैं लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। अरे बाबा आपका अमाउंट बहुत बड़ा है, घर के ओरिजिनल पेपर आपने अभी तक नहीं भिजवाए। आप पेपर्स रेडी रखिए तो मैं एक हफ्ते में पैसे भिजवा दूंगा। सेठ मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। मेरे पास उतना टाइम नहीं। देखो सेठ मैं तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ पैसे अरेंज करने के लिए, नहीं तो बोलना हाँ और भी लोग हैं। गुस्सा मत करो साहब, मैं हवाले से जल्दी पैसे अरेंज कर दूंगा, आप बस जल्दी से जल्दी पेपर भिजवाइए। ओके। पेपर तो भिजवा नहीं रहा है और पैसे भिजवाने को कह रहा है। हेलो। हाँ शर्मा जी बोलिए, क्या बात है? तुम लायर हो या लायर हो? कितनी बार तुम्हें फोन करना पड़ेगा हैं? बोलो मेरे घर के पेपर्स तैयार करने में तुम्हें और कितना समय लगेगा? रेडी हो रहे हैं सर, यहाँ हमें भी रिस्क है, ओरिजिनल्स गुम हो जाने पर डुप्लीकेट रेडी करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। हाँ मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ ना, और कितने दिन लगेंगे? एक हफ्ते में रेडी कर दूंगा। देखो लॉयर, एक हफ्ता नहीं बल्कि 3 दिनों के अंदर मुझे सारे पेपर्स तैयार चाहिए, समझ में आया? आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। वकील के चक्कर में 3 दिन और जाना पड़ेगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ओ मधु जरा कैची देना, इसको सीधा काट दूंगा। थैंक यू। ओ मधु टॉवल देना। मधु एक चुम्मा देना। मांगने पर ही सब दे रही हो ना, इसलिए एक चुम्मा मांग लिया तुझे तो मैं।
टुल्लू का निकला। क्या हुआ मधु? छिपकली, छिपकली। छिपकली? जल्दबाजी में मैं इसे मारने वाला था। छिपकली, तुम्हें देखकर उसे डरना चाहिए था, उसे देखकर तुम डर रही हो। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा आजा टट 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 टट, एक बार आजा। क्या काम कर रहा हूँ? जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, पहले ये बताओ इस ड्रेस में कैसे लग रही हूँ मैं? अरे काम कर रहा हूँ मैं, जाओ यहाँ से। जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे मैं ऐसे ही डिस्टर्ब करती रहूंगी। शादी का मतलब बड़ों की रजामंदी के साथ सबको निमंत्रण बांटना होता है, बड़ों के आशीर्वाद के साथ सात फेरे लेकर सात जन्मों तक जीने मरने का फैसला करना, दिल से हर एक पल तुम्हारे साथ रहने का वादा करना। लेकिन शादी का मतलब जब चाहे ऐसे डिसाइड करना नहीं होता, समझी? वाह क्या डायलॉग मारा है। ठीक है, लेकिन जैसा तुमने कहा, वो बड़े लोग अगर हमारी शादी के लिए नहीं माने तब तुम क्या करोगे? अरे पगली, अगर ऐसी बकवास सिचुएशन आ जाएगी ना तो तुम हो, तुम्हें भगाकर तुमसे शादी कर लूंगा। ओके ठीक है। भागते समय जैसे फिल्मों में लड़की अपने घर से पैसे लेके आती है, मैं भी वैसा कुछ लेके आऊँ क्या? अरे पैसों को छोड़ो, सिर्फ तुम आ जाओ इतना काफी है। अब जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। तो फिर ठीक है, लेकिन भागते समय मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? क्या कहा? अगर मैं साड़ी पहनूंगी तो कहेंगे संस्कार के साथ भागी है, अगर हाफ साड़ी पहनूंगी तो कहेंगे शरारत में भागी है, वहीं मॉडर्न ड्रेस पहन के भागूंगी तो कहेंगे क्या भागी है यार, इतनी कंफ्यूजन के बीच मैं कैसे रहूं? कौन सा ड्रेस पहनूं? बताओ ना संजू, बोलो ना संजू, बोलो ना, बोलो ना संजू। साहब यहाँ कुछ साफ करना था ना? ऊपर के रूम में कुछ बदबू आ रही है, जरा जाकर देखो। ठीक है साहब। शर्म भी नहीं आती इनको, पब्लिक में गुटुरगु करते रहते हैं। इस रोमांटिक मौसम में लवर की बाहों में गर्मी सेकने का मन करता है। What? I mean, कैंपफायर नहीं है ना, वही पूछ रहा था। हाँ? तुम्हारे पास मेरा पीछा करने के अलावा कोई काम नहीं है? चाहे तुम कितना भी पीछा कर लो, मैं फंसने वाली नहीं हूँ। वैसे भी तुम्हारा स्टेटस अलग है और मेरा स्टेटस अलग है, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। हेलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत सुंदर हो। लड़कियाँ सुंदर होती हैं, इस बात का आविष्कार करने वाले हम लड़के ही तो हैं। जब तक तुम लड़कियों की सुंदरता की पहचान करने वाले हम लड़के हैं, तब तक ही तुम्हारी वैल्यू है। और वैसे भी मेरे जैसे लड़के को तुम्हारी जैसी लड़की सूट नहीं होती है। ओके बाय। ये क्या कर रही हो? मुझे संतरे की तरह क्यों नोच रही हो तुम? अरे क्या हो गया है तुम्हें? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अंधेरे में ग्रेविटी कैसे काम करती है बस यही चेक कर रहे थे, और कुछ नहीं। चुप! मैंने तुम्हें कितना प्यार किया और तुम मुझे छोड़कर इसके साथ रोमांस कर रहे हो। आई हेट यू। हम जैसू का प्यार तुम्हारे जैसे मर्द कभी नहीं समझ सकते। जाओ, बोलो ना, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बोलो बोलो, क्यों दिया? अबे चुप! बीच में आकर डिस्टर्ब किया, ऊपर से बकवास करने जा रहा है, क्या समझते क्या अपने आपको? चल हट। छोटे बेबी, तुझे क्या मेरा ही लवर मिला था? तूने अपनी बुरी नजर उस पे क्यों डाली? जा, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। अब मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है? मुझे देख कर बात कर। देख, देखना। Oh!
मैंने उस पर कितना भरोसा किया था लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया। पागल कहीं का, यहाँ सब मरेंगे। ए किसमिस, क्या हुआ? इससे मैं बैग पैक कर रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊंगा। व्हाट हैपेंड? ए जाने दे से, वैसे भी यहाँ पर रहकर ये क्या करने वाला है? तो तू क्या कर लेगा? उसके साथ घूम फिर कर बर्बाद हो जाएगा, फिर मेरे पास आएगा, तब मैं तुझे देख लूंगा। हेलो, अगर मैं बर्बाद भी हो गया ना तो जाकर संन्यास ले लूंगा, लेकिन मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। चल आया बड़ा, मरेगा तू, मरेगा, सब मरेंगे, देख लेना। उसे मेरी याद समझ कर रख ले। ऐसा क्यों कहा कि सब मरेंगे? अरे जाने दे यार, वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। तू एक काम कर, तू सुबह आ जा, अभी मैं जाता हूँ, बहुत काम है। कुछ तो बात है, वरना ये इस टाइम पर क्यों जाता? शांत रहो, मैं जाके देखता हूं। रुक यार, ऐसे प्रॉब्लम मेरे जैसे बड़े ही डील कर सकते हैं। वैसे किसे पता ये भूत देखकर डरी थी या कांच में खुद का चेहरा देखकर डरी थी? मैं जाकर पता करता हूँ। जाजा, तुझे भी वो दिखेगी, तेरी तो बैंड बजने वाली है। कहाँ है भूत? छोटा भूत कहाँ है? पकड़ लूंगा। बड़ा भूत कहाँ है? उसे मार दूंगा। दोनों को पकड़ पकड़ के घसीट कर भगाऊंगा। बोल सार, कहीं देखा है? बोलना, कहीं देखा है क्या? नहीं देखा? ओ बेबी भूत, वहां हो क्या? मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आ गया। यहाँ भी नहीं हो? तो भूत बेबी कहाँ हो तुम? ओके कूल, शांत हो जाओ। ए चोटी, सीट के नीचे छुपी हो ना? आई गॉट इट, पकड़ लिया। यहाँ भी नहीं है। तो तुम वहाँ हो। आई गॉट इट या, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। यहाँ भी नहीं है। बेबी, मैं हूँ तुम्हारा पति, पशुपति। आ जाओ, आ जाओ, यू नॉटी। शायद मधु इस मास्क को देखकर डर गई होगी। यू नॉटी, मैं कितना स्मार्ट हूं ना। मैंने सोचा नहीं था कि आप हमें मिलेंगी। विदाउट परमिशन रानी के लिए सामान। आप माउथ फ्रेशनर नहीं लेती क्या? हाँ, मेरे पास है। क्या हुआ? अंदर से आवाज भी नहीं आ रही है। वो मधु मुझसे अभी तक सेट भी नहीं हुई है। अगर आप मुझसे कोऑपरेट करें तो शायद कुछ हो पाए। थैंक यू। वैसे एक बात बोलूं, आपके ये कर्ली हेयर बढ़िया है, आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। झलक दिखला जा एक बार।
है ना, है ना अंदर कुछ? रुकना! अरे बाबा क्या है अंदर? अरे अंदर कुछ नहीं है भाई, अंदर कुछ नहीं है। गीली कैसे हो गई? अरे वो ऐसा हुआ कि अंदर अंधेरा था ना, तो लाइट नहीं थी, तो फिर ऐसी गर्मी से गीला हो गया। सब झूठ है, ये इंसान है ये जानवर, अंदर कुछ और हुआ है और ये बाहर कुछ और ही बता रहा है। इसका विश्वास मत करो, ये झूठा है, ये राम गोपाल वर्मा के फिल्मों की कहानियां सुना रहा है। क्या झूठे, क्या झूठे, अगर चाहे तो राम गोपाल वर्मा के पास जाकर पूछ ले, कोई मेरा विश्वास ही नहीं कर रहा है, कसम से। हाँ। ए, तो रुक, कसम मैं जाके देखता हूँ। कुछ भी तो नहीं है यहाँ। उसने भी तो यही कहा था ना, चलो। भैया आप फ्री हैं? भैया मैं फ्री हूँ, मगर ये दारू फ्री नहीं है, पैसे दे के खरीदिए। भैया आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह झूठ बोला था? जब मैं पीता हूँ तो इंसान की बातों पे भरोसा नहीं करता, सिर्फ उनकी नजरें देखता हूँ। जब तू भागते हुए बाहर निकला तो मुझे यकीन हो गया कि तेरी बैंड बज गई। बैंड नहीं भैया, गाल सुजा दिए मार मार कर, अंदर के पार्ट सारे बाहर आ गए हैं। भैया भैया आपको एक बात बताऊँ, इस घर में भूत है भैया। भूतों से तुम्हें डर लगता है क्या? एक छोटी भूतनी बैठी है, मैं डर रहा हूँ क्या? छोटी भूतनी, वो कहाँ है भैया? तुझे दिखाई नहीं दे रही है छोटी भूतनी, एक है राइट हैंड साइड पे रेडियो सुन रही है। भैया आप जैसे बेवड़े से बात करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को टूटी चप्पल से मार लूँ। धत तेरी तो। जा जा यार, टूटी चप्पल से मारने से असलियत थोड़ी बदलेगी। क्या करिए, मार देगी क्या मुझे? रेडियो घुमा रही है, अब क्या करके रो रही है? मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो उनसे खेलता हूँ, मुझे बस ये चाहिए। भूतों के आने पर सभी को भूत दिखाई देते हैं। क्या हुआ, अब क्या करें? आपके पसंदीदा हीरो के डायलॉग आपके लिए, जस्ट वॉच इट। मैं सबको दो ही ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए बीमार होने पर इलाज करता हूँ, ऑप्शन बी गलती करने पर मार देता हूँ। ऑप्शन ए चाहिए या बी चाहिए, मरना या इलाज? देखो एक ही तरफ देखो, दूसरी तरफ देखने की कोशिश मत करो, नहीं सह सकते चल जाओगे। मार सकते हो लेकिन मेरे बदले को नहीं मार सकते। अरे मारने से शायद तुम्हें थकान आती होगी, पर मुझे जोश आता है। अरे आवाज मत कर, गला काट दूंगा। रुक जाओ मैं देखती हूँ। बिल्कुल, अब हर थ्रिलर या हॉरर पिक्चर का मेन इंटेंशन है लोगों को डराना। ये भी ना, इस घर में आने के बाद सब कुछ उल्टा हो रहा है। अरे हाथी तू क्या बोलता है, इस दुनिया में भूत होते हैं क्या? पता नहीं, हो सकते हैं। अबे तुझे पता क्या है, बस भर भर के सांबर पिएगा और एक दर्जन इडली खा जाएगा। भूतों से तू डरता है क्या? हेलो, डर किसे लगता है, मेरी दादी झांसी की रानी भूतों के दांत तोड़कर रखने में माहिर थी, पता है क्या, उनके नक्षत्र में जन्म लिया है मैंने, भूत मुझे देखकर सुसु कर देते हैं। तू डरता होगा, मैं नहीं, देख अपने आप को। हाँ कोई चांस नहीं है। क्यों? बाएं जांघ पर तिल होता है तो भूत पास आते ही नहीं है। सच में कहां है माचिस, माचिस कहां है? ये फायर मेरी जिंदगी बदल देगी। ए, ये देख तिल। तिल मतलब पैदाइशी तिल, बनाया हुआ नहीं। पहले बताना चाहिए था ना, पहले क्यों नहीं बताया? अरे सुनना, क्या यार अब क्या हो गया? आज अक्षय का बर्थडे है ना, केक कटिंग का प्लान किया। मैं नहीं आऊंगा, तेरा केक है, तेरा सेलिब्रेशन, तेरा प्यार, तू जा। ठीक है, तू आ रहा है मेरे साथ? हेलो थैंक यू यार हाथी, अगर तू रुका तो कल तेरी जैसी एक बकरी की बलि चढ़ाकर तेरे लिए बिरयानी बनाऊंगा। ये डर के मारे मरा जा रहा है, तू जा। ठीक है, तेरी मर्जी, भगवान तेरी रक्षा करेगा। तू सो जा, तू कहीं मत जाना, तुझे मेरी रक्षा करनी है।
चिप्स से बेहतर तो केक ही होता है, चलता हूँ। ओए हाथी, अगर तुझे डर लगे तो मुझे जोर से पकड़ लेना, ठीक है हाथी? अबे कदा कहीं का, मुझे बिना बताए चला गया। अगर अभी भूत आया तो मैं क्या करूंगा? कहीं कहीं वहां तो नहीं गई, देखता हूँ। भूत, तुम नहीं आओगी, मुझे पता है। क्या हुआ? अरे ये लाइट कैसे चली गई? अरे कोई तो बताओ। ए, ये लाइट जाए या कोई बंद करे, तुम के काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके कट द केक। दादी का नाम सुनते ही वो भूत डर गई होगी। तब तो मैंने उसे छोड़ दिया था ये सोच के कि लड़की है, लेकिन अब आएगी तो नहीं छोड़ूंगा। आ गए क्या? देखता हूँ। जब भी बुलाता हूँ आ जाती हूँ, काम धंधा नहीं है क्या? अरे तेरी तो, निकलो यहाँ से। Happy birthday. अरे यार तुम और तुम्हारी बर्थडे पार्टी। क्या यार, मैंने अभी अभी भूत देखा, सामने भी देखा यार। भागो। शुरू से मैं भी तो यही कह रहा हूँ, भागो यहाँ से। दारू की बोतल ना हो तो भूतों का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बोतल कहाँ रख दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीछे रखा था, मैं पागल हूँ क्या जो भूल जाऊंगा? भूतों से निपटूंगा। दारू की बोतल लाया था वो नहीं मिल रही, अब ढूंढ रहा हूँ गलत जगह। अरे वो दारू की बोतल भूल गया था ना, उसके बात कर रहा हूँ मैं। कह रहा दारू की बोतल भूल गया, तू मारे मुझे पागल है क्या तू? पेड़ को मारते शर्म नहीं आ रही? थप्पड़ मारने से दर्द होता है पता चला, हाथ मत उठाना। क्या बे पागल, अरे मारे भी तो थप्पड़ मारे। चलो चलो जल्दी यहाँ से। हेलो, अरे रुक जा, दरवाजा खोल रहा हूँ। अरे क्या है? मी आई हेल्प यू? नो थैंक्स। स्कूल के बच्चे की तरह रेडी होके आ जाती है तेरी तो, सुबह से लेकर शाम तक पीछे पड़ी रहती है। जा रहे हो? रिजर्व करवाना था, बैलेंस खत्म हो गया ना। मेरी मर्जी, रहने को कहा था ना। नहीं रहूंगी, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मुझे। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? रुको, रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ। अरे इंसान छोड़ डर रहा है क्या? संभल के थोड़ा सा। चलो क्या क्या दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे ऐसे इशारे क्यों कर रहे पागल है? अबे तेरे सिर पर है देख। बैठने के लिए अगर जगह नहीं मिली तो कुर्सी मांग लेती ना, ये मेरे कंधे पर आकर बैठने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना दो भूतों को देखा था, तुमने यकीन नहीं किया, अब पता चल गया ना कि भूत है। भूत अब तेरे सर पर आकर बैठा है। Why is it? 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 Why is it
लोन रिलेटेड क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लड़कियाँ नहीं, सिर्फ लड़के ही बाहर जा सकते हैं, ऐसा बोल रही है। अक्षय क्या हुआ? अरे इतनी जल्दी आ गए, काम हो गया क्या? वह आपका काम खत्म होने से पहले हमारा काम तमाम हो जाएगा। क्या हुआ? अब ये तो आप ही को बताना है कि हुआ क्या है। मुझे क्या पता? अबे तुझे नहीं पता, तेरी तो बोलोगे मैं इससे बुलवाऊं। मुझे क्या पता, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में मिल रही थी तो खरीद ली। कौन है वो? शर्मा। एड्रेस? लॉक है यार, ठीक से देखना। पक्का लॉक है यार। क्या है? What a bonus this for India and an excellent ball. Normally leaves the left hand, but this one's come back in. क्या हो गया? The stump's gone for a walk. पकड़ा गया साला। Hey, कौन हो तुम? अच्छा है, वहाँ कांड करके यहाँ पे आराम से पीने बैठा है। प्लीज मुझे मत मारो, मैंने उन्हें नहीं मारा, उनकी मौत से मेरा कोई वास्ता नहीं है। किसकी मौत, किसका लेना देना नहीं है? बताता हूँ। अकीरा मेरी इकलौती बेटी, वही मेरी जान है, मेरी दुनिया है। इस दुनिया में उसकी माँ नहीं है, लेकिन उसने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि उसकी माँ नहीं है। इसीलिए एक दिन अकीरा, पापा, देखो कौन है, माँ है बेटा। हाय अकीरा। मम्मी वहाँ है। अकीरा, स्वाति तुम बुरा मत मानो, नई हो, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम्हें एडजस्ट करना होगा। अकी, एप्पल, बी फॉर बॉल। माँ है बेटा। डी फॉर डॉग। अकीरा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? गेट आउट ऑफ माई क्लास। A for apple. सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मार्क ऐड करने पर भी पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे। सर, इस बार ठीक से पढ़ूंगी सर, मेरे घर पे कंप्लेन मत करिए सर। ए, ए, रो क्यों रही हो? बस फेल ही तो हुई हो ना, मैं पास कर दूंगा। उस लड़की का क्या हुआ? 4 लोगों ने मिलकर एक लड़की का ब्रेक के बाद जानिए। अकीरा, तुम्हें बोला था ना, टीवी पर ऐसे प्रोग्राम मत देखा करो। पापा, दीदी को सर ने यहाँ 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 पकड़ा। पापा, दीदी बहुत रो रही थी। स्टूपिड्स, ये टीचर है या चीटर है, ये लोग भी साइको बन गए हैं बिल्कुल। अकी, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब, तुम्हें कल स्कूल जाना है ना, चलो जा, जाके रेस्ट करो, जा 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 जा, जा, जा। स्वाति, अकीरा अकेली है, अगर उसके साथ कोई रहे तो अच्छा रहेगा ना। मतलब हमारे लिए नहीं, अकीरा के लिए। Thank you.
बात को समझो ना स्वाति। अकीरा अकीरा अकी अकी मैं यही हूँ बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हें डर लग रहा है क्या बेटा? अकी गलत है पापा, दीदी बहुत रो रही थी, गलत है पापा, उनसे कहो कैसे ना करे। ठीक है बेटा, वो सब मैं देख लूंगा, तुम कुछ मत सोचो, सो जा बेटा। हेलो। हाँ शर्मा बोलना। मैंने तुम्हें कई बार बताया है ना कि अकीरा टीवी पर क्राइम प्रोग्राम देखकर उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती रहती है और रात को नींद में बात करती रहती है, जिससे बहुत डरती है वो। तू घबरा मत यार। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल फोबिया है यार, मेरी पहचान का एक साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन वो बहुत महंगा है, अगर तू कहे तो। देखो जितने भी पैसे लगेंगे मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, बस अकीरा ठीक हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके कॉल करता हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ए, जाओ। बोला ना जाओ। यही है सेठ जी, देख लीजिए, पूरी जमीन 1.5 एकड़ की है, उसमें सिर्फ ये एक घर ही 2,500 स्क्वायर फीट है। इससे रिलेटेड पेपर्स मैंने लॉकर में रखे हुए हैं, दो दिनों में मैं सारे पेपर्स भिजवा दूंगा। इतना डिटेल में बता दिया, ठीक है साहब, जरा अंदर देखें, चलिए। या श्योर, चलिए। ध्यान से देखिए सेठ जी, ये हॉल है, आइए बैठिए बैठिए। ये किचन, ये मास्टर बेडरूम, और यहाँ से ऊपर एक स्टोर रूम है। अच्छा, ये कौन है? स्वाति, जरा कॉफी लाना। इतना जल्दबाजी में घर को गिरवी रखने का कारण जान सकता हूँ? उसमें क्या है सेठ जी, जरूरत पर अगर प्रॉपर्टी काम ना आए तो उस प्रॉपर्टी का क्या फायदा, उसकी कोई कीमत नहीं होती। अभी मेरे लिए घर नहीं बल्कि मेरी बेटी की सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस घर को गिरवी रख रहा हूँ। ये लीजिए सेठ जी। जब आप ओरिजिनल पेपर दे देंगे ना, तब मैं आपको बाकी का अमाउंट भी दे दूंगा, तब तक ये एडवांस रख लीजिए। राम राम। ठीक है सेठ जी। अकी, घर को गिरवी रखना तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अगर इसके लिए तुमने सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी तो बाद में मेरा क्या होगा? देखो अपने में सिर्फ प्यार होता है, तुम्हारा मेरा इसका हमारा ये सब नहीं होता है स्वाति। तुमको मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, तुम नहीं बदलोगे। अकीरा, पापा कैंप जा रहे हैं, मेरे आने तक सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना, समझ गई? अपना ध्यान रखिएगा स्वाति, अकीरा का ध्यान रखना। ठीक है अकीरा, बाय 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 स्वाति बाय। मेरा ध्यान तो रखते नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगी। ये लो इडली। क्या देख रही हो, भूख नहीं लगी है क्या? खाओ। क्यों, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ, अपनी माँ के साथ चली जाती तो अच्छा रहता। छे, बेकार का सिर दर्द। छे, वैसे भी शादीशुदा इंसान से प्यार करना मेरी ही गलती है, वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं। Thank you.
अके अके पापा अके क्या हुआ बेटा पापा हेलो अके 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 क्या हुआ बेटा अके तुझे एक बात बताऊं तेरा भाई आने वाला है अब तू मैं तेरा भाई खुशी से रहेंगे सब साथ में रहेंगे पापा अके अके हेलो चामुंडा बिछाए नमः बोल हटो तुम कौन हो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे हो जाओगे सब सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा पापा सुनिए हाय पागल हो गई हो तुम बच्ची को मार डालोगी क्या अकी 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 बात करो बेटा अकी मैंने इसके लिए सब कुछ किया था लेकिन तुमने तुम्हारी बेटी के लिए मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कर दिया। जिस प्यार के लिए तुमने ये सब किया है मैं उसी प्यार को तुमसे दूर कर दूंगी स्वाति 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 रुको स्वाति बात करो बेटा अकी हम तीनों उस घर में खुशी से रहना चाहते थे लेकिन मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जो घर उन दोनों को पसंद था अब उसमें मैं अकेला नहीं रह सकता था इसलिए उसी घर में उन दोनों को दफना कर अपने आंसुओं के साथ मैं वहां से बाहर चला आया उन सारी यादों को भुलाना चाहता था इसलिए सेठ जी को मैंने बहुत कम दाम में घर बेच दिया लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उन दोनों की आत्मा उस घर में भटकने लगेगी और आप लोगों को इस तरह से परेशान करेगी सॉरी भैया कभी कभी सोचता हूं कि दारू पीकर अंदर के दर्द को कम कर लूं लेकिन हर दिन मेरे अंदर का दर्द मुझे मारता रहता है पीसता रहता है क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे सब किस्मत का खेल है हमारे हाथ में कुछ नहीं होता अब क्या करना है सर मेरे पहचान के एक स्वामी जी हैं शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके एक मिनट ये उनका कार्ड है और ये मेरा कार्ड है स्वामी जी का फोन नहीं लग रहा है अरे ये तो अपना जगन है यार हे जगन हे तुम लोग यहाँ कैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो अरे मैं तो किसी काम से गया था लेकिन तू इतने दिन कहाँ था यार उस घर में भूत है मैंने उस दिन भूत देखा और मैं डर के मारे भाग गया वहाँ भूत है ये बात हमें भी पता है वैसे तू कर क्या रहा है और ये पेपर कैसा जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना इसलिए मिसिंग पोस्टर चिपका रहा हूँ यार स्वामी जी का फोन आ रहा है तो उठा ना
स्वामी जी यही है वो बंगला। बीकाम। जय श्री राम, भगवान ही बचाए मुझे। जय श्री राम। इससे कुछ नहीं होने वाला। दारू कम पियो बेटा। क्यों बचे हुए तू पी रहा है? स्वामी जी मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी जी। कीप काम। जय श्री राम। यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। ये और इनका डर, अच्छे लोग मिल गए मुझे। अच्छे लोग मिल गए मुझे। ए शंकर, इंडिया पर 50,000 की बेट लगा। मैंने कुछ बकरों को फंसा लिया है। उनके घर में भूत है और मुझे भगाने के लिए कह रहे हैं। सुन, उनके पास से मैं कुछ पैसे भी ले लूंगा। वैसे भी आजकल भूत ऊत होते कहाँ हैं? कहा था ना कोई मत आना। स्वामी जी भूत को भगा रहे हैं। धोखा दोगी तो जान जाएगी। एक बात बताऊं, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। स्वामी जी आपका जवाब नहीं। स्वामी जी अंदर क्या हुआ? स्वामी जी डर डर के मर गया। इसका मतलब अंदर भूत डर डर के मर गया स्वामी जी के मारने से, है ना? मतलब स्वामी जी ने भूत को इसमें कैद किया। चुप, अगर कैद नहीं किया होता तो लोटी के ऊपर हाथ क्यों रखते हैं? मतलब आज हम बाहर जा सकते हैं स्वामी जी? तुम जाओ तुम जाओ। अरे तू लेकर जा यार, स्वामी जी अभी शमशान जाएंगे, लोटे को जमीन में गाड़ कर एक बड़ी सी पूजा करेंगे, तब हम बाहर जा सकते हैं, है ना? ये लोग ऐसा सोच रहे हैं। स्वामी जी ये लीजिए आपके पैसे। धोखा दोगे तो जान जाएगी। ग्रेट ग्रेट स्वामी जी। स्वामी जी ऐसे बिना कुछ कहे क्यों जा रहे हैं? हेलो, मंत्र 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 पढ़ते हुए गए हैं स्वामी जी। हाँ ग्रेट स्वामी जी, चलो चलो अपना काम करो चलो। ए शंकर, इंडिया पर 50,000 की बेट को कैंसिल कर दे, यहाँ पे मेरी दाल नहीं गली। क्यों कैंसिल क्यों कर? 5,000 रुपए मेडिकल खर्चे के लिए तू ही भिजवा दे मुझे। ए भगवान। कौन सा पत्थर फेंकेगा? ये जीत जाएगा क्या? अरे क्या पता लाला, लाइफ मिल गई मुझे तो, लाइफ मिल गई यार। लाइफ तुझे नहीं मुझे मिली है। खून। तुम हो इस वक्त यहाँ? तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। हमेशा शादी 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 करती रहती हो तुम। संजू अब तक नहीं आया और कितनी देर वेट करूं? चलो 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 पहले चलो। क्या हुआ? आओ बाद में बताता हूँ, चलो यहाँ से। क्या हुआ संजू, घबरा रहे हो? कॉफी पियोगे क्या? Ha 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 ha
सपना था। क्या हुआ संजू? कुछ नहीं अक्षय, एक बुरा सपना था। सपने में मैंने देखा कि तुमने मुझे चाकू से मार दिया। वो सपना नहीं, सच है। क्या हुआ यार? संजू, संजू तू अभी तक जिंदा है? तू मरा नहीं ना? अरे भाई मैं क्यों मरूंगा? अक्षय ने तुझे चाकू से गोद गोद कर मार दिया था, मैंने देखा है। मैं कैसे मार सकती हूँ, मैं तो यही थी। बेकार के सपने देखता रहता है। अरे हाँ सपना था। अबे क्या हुआ बे? वैसे भी तुम लड़कों का आजकल फैशन हो गया है, हमारे साथ जो मर्जी करते हो और ऐसे दिखाते हो जैसे हम गिफ्ट मांग रहे हो। तुमको टॉर्चर कर रहे हैं, तुम्हारी जेब खाली कर रहे हैं, तुम लोगों को मार रहे हैं। बहस करने की देरी है, हम सुलझ गए, बर्बाद हो गए बोलकर सारी दुनिया सिर पर उठा लेती हो, और प्यार की रोशनी देखकर मोमबत्ती की तरह पिघलने वाले हम जैसे लड़कों के बारे में तो तुम कभी सोचती भी नहीं हो। सच में तुम्हारे मुँह से प्यार की बातें ऐसे लग रही हैं जैसे भूत वेद पढ़ रहे हो। हेलो, हम अगर प्यार की पतंग उड़ा रहे हैं तो तुम जरूरत की पतंग पानी में उड़ा रही हो, लेकिन एक बात बता दूं कि तुम्हारी पतंग भीग रही है और जल्दी फट भी जाएगी। हेलो, अगर हम 100 लोगों से प्यार करें तो उसमें से एक को ही सिलेक्ट करते हैं। तुम लोग 100 लोगों से प्यार करते हो, 100 लोगों को सिलेक्ट करते हो। सही कहा, उन 100 लोगों में से एक ही के पास पैसा होता है, इसलिए उस एक को ही पकड़ती हो। लेकिन हम लोग 100 लड़कियों में से एक तो सच्चा प्यार करेगी, इस उम्मीद में हम 100 लड़कियों से प्यार करते हैं। लड़कियाँ फिगर दिखाती है, उसे बुरी नजर से देख के मजे करते हो तुम सब लड़के। अबे कुछ तो सोना, हम नहीं करते, तुम करती हो। जैसे रॉन्ग टर्न मूवी में इंसानों को इंसान कच्चा चबा जाता है, उसी तरह तुम लड़कियाँ भी हम लड़कों को चबा रही हो। ए तुम लोग पागल हो गए हो, असली भूत तो तुम लोग ही हो। हम नहीं रे, तुम ही लोग हो डायन चुड़ैल भूतनी। चुप रहो, सफेद भूत काले भूत लाल भूत। तुम लोग हो, तुम अरे तू ही भूत है, तुझे पता है? तू है, शांत रहो, तुम लोग चुप रहो ना यार। आधी रात को तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? सीधा सीधा कहने से नहीं जाओगे? मारने के लिए आए हैं, मारना नहीं चाहिए। मार दे क्या? कर दिमाग खा जाऊंगी। मुझे मुझे हड्डी चाहिए। डर के क्यों भाग रहे हो तुम लोग? अरे यार कुछ भी तो नहीं है, सूखे पत्ते तो है। अरे जाओ जाओ, तुम लोग डरते होगे भूतों से। मैं नहीं डरता, मेरे पास तो मटेरियल है, एक बार पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। हाँ अरे मेरी बोतल कहाँ चली गई? ए मेरी बोतल किसने ली? जिसने भी लिए वापस कर दो वरना उसे मार दूंगा मैं। जब देखो मुंह उठाकर चली आते हो। अरे टाइम तो देखना चाहिए ना। अरे मेरी बोतल थी वो भी ले ली तुमने, परसों मजाक में मारा था तुमने तो दिल पे ले लिया। ऐसी छोटी बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए। आज से हम बेस्ट फ्रेंड है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी बर्थडे। चुप कर, आई लव यू। अब तुझे दिखाता हूँ मैं खाली बोतल। अच्छा लकी ड्रॉप, लकी ड्रॉप का मतलब पता नहीं था, आज उसका मतलब पता चल गया। देखा ना कैसे भगा दिया उसे। दिस इज द पावर ऑफ लकी ड्रॉप, डोंट मिस अगेन। ए गाओ सारे लोग। देख लिया, आओ। क्या बात है, आज बड़ी रोमांटिक लग रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिशा में मत सोना, ठीक है? पूरब दिशा में नहीं सोना चाहिए।
संजू क्या हुआ? बता रहे क्या हो गया संजू? बोलना कुछ तो। अभी मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। सब यहीं रुको। कहाँ जा रहे हो? क्या? चुप, पागल कहीं की। चा? मेरी बात सुनो संजू, सुनो। उस तरफ मत जाना, जाओगे तो मर जाओगे। अरे उसमें आत्मा है, मत जाना। कहा ना वहाँ मत जा, अगर गए तो मर जाओगे। इसमें भी आत्मा गई, हट जाओ। ए, उन दोनों ने कह दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या? जीना नहीं है तुझे। सुनो मत, आगे बढ़ो। जाओ, बोला ना। बधाई करो, खोदो खोदो, सोच क्या रहे हो? अबे क्या हुआ? कहेंगे उस दारू को उधर रख और खुदाई कर। करेक्ट, खोदो 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 खोदो। अंकल, हम यहाँ खुदाई क्यों कर रहे हैं? अंकल, चूल्हे में आत्मा आ गई क्या? अरे सुने तो कहा था कि खोदना है, इसलिए मैं आ गया। अब क्या मुझे अंकल कह रहे हैं? ए, देख क्या रहा है बे, खुदाई करना। खोदो 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 खोदो। अंकल, यहाँ क्यों बार बार खुदाई कर रहे हो? एक काम कर, मुझे ही कर दे तू। अरे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है यार। ए, क्या कर रहा है, खुदाई करना जल्दी। खोदो खोदो खोदो। अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? अगर वो भूत आ गया तो मेरे पास लकी ड्रॉप भी नहीं है, क्यों सिचुएशन खराब कर रहा है? अबे ऐसे रो क्यों रहा है, जल्दी खुदाई कर। खोदो 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 जल्दी, खोदो खोदो जल्दी 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 कर यार। चला हाथ चला, हाँ हाथ चला जल्दी जल्दी। अरे मिट्टी हटा दे, हाँ जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी मिट्टी हटा दे, देख अंदर क्या है। तो संभल के ये सब क्या है? ए, डालना केरोसिन। संजू, इन दोनों लाशों को अभी क्यों जला रहा है तू? वो नहीं तू। अगर तुम हमें जलाओगे तो मैं इसे मार दूंगी। नो नो, जान की कीमत तुमसे ज्यादा हमें पता है। मेरा नाम अविनाश शर्मा है और ये मेरी पत्नी गौरी। अगर हमारे 10 बच्चे हों तो भी ये सारे काम अकेले कर सकती है, पर भगवान ने हमें बच्चे ही नहीं दिए। लेकिन उस दिन साथ रखने के लिए बोला था ना, और वैसे भी तुम इतने सारे काम अकेले क्यों करती हो? इससे तुम्हारा अस्थमा कंट्रोल नहीं होगा। मुझे अस्थमा नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी थक जाती हूँ बस। वैसे भी अपना काम खुद करना गलत है क्या? वो हमेशा से वैसी ही थी, मुझ पर प्यार भी जताना होता तो अपने गुस्से से जताती। जिद्दी। इसी प्यार और गुस्से के बीच खुशी से हमारी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। सॉरी, वो प्रॉब्लम मुझ में ही थी। ए शर्मा, अरे किधर है? बाहर निकल, निकल बाहर।
कौन हो तुम लोग? क्यों चिल्ला रहे हो? तेरे भाई ने हमें धोखा दिया है। ए, तेरे भाई ने एक आदमी को 10 लाख का कर्जा दिलवाया, वो भाग गया। कौन चुकाएगा पैसा? बोल कौन चुकाएगा 10 लाख? ये है ना, ये देगा, ऐसे नहीं देगा। ये लोग कौन है? सुनो, अंदर जाकर के 10 लाख रुपए लेकर आओ। क्या 10 लाख? ओ अच्छा, आपके भाई ने पार्टी करने के लिए कर्ज लिया हुआ है और अब वो आपको देने के लिए कह रहा है। और कितनी बार सुनेंगे और कितनी बार देंगे? एक बार नहीं देंगे तो समझ में आ जाएगा। पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो करना है कर लो। केस करोगे तो कोर्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो हमें भी पता है कि कैसे वसूल करना है। अगर वो नहीं देगा तो इसको लेकर चलते हैं। तुमने इस तरह का बर्ताव क्यों किया? 10 लाख ही थे ना, दे देते उनको। पता नहीं क्या हाल करेंगे वो लोग उसका। क्या करेंगे? पैसे नहीं देने पर मार देंगे? वैसे भी आपका भाई आपकी तरह इतना सीधा नहीं है, उसे अच्छी तरह पता है कि इन सब से कैसे निपटना है। आप टेंशन मत लीजिए। एक तुक्का कथे कहीं के तुम लोग। सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। सॉरी भाई, इतना अच्छा प्लान किया था, सब बेकार कर दिया तुम लोगों ने। अरे किसी काम के नहीं हो तुम लोग। गया सब कुछ, गया 10 लाख रुपए कहां से लेकर आऊं मैं? अबे अब तेरी सॉरी का क्या करूंगा मैं? चप्पल अपने सर पे मार लूं? चप्पल सब चपट कर दिया। अरे खड़े क्यों हो? जाओ यहां से, जाओ। गए 10 लाख। सोचो सोचो क्या करना है, सोचो। अरे सुनो, क्या हुआ तुम्हें? हॉस्पिटल चले क्या? कुछ नहीं हुआ जी, डरने की कोई बात नहीं है, खुशखबरी है, आप पापा बनने वाले हैं। सच में? कितनी बड़ी खबर दी है तुमने। इसी के लिए मैं कितने दिनों से वेट कर रहा था। मैं अभी सारे फ्रेंड्स को बताता हूँ, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा मैं। क्या कर रहे हैं? पहले आप ऑफिस जाइए, उसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे। नहीं, आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। पहले उन्हें फोन करना। सुनिए, पहले आप फोन साइड में रखकर ऑफिस जाइए। चलिए। बहुत जिद्दी हो तुम। जाइए ना, मैं शाम को सबको कॉल कर लूंगी। मुझे पता था आज आप ऑफिस बिल्कुल नहीं जाएंगे। इमली कितने की है? 50 रुपए किलो। किलो की नहीं, पूरी टोकरी की पूछ रहा हूँ। बीवी पेट से क्या साहब? ये लो। लीजिए। छोड़ मुझे। तुझे शर्म नहीं आती?
भाई की बीवी से बदतमीजी कर रहा है। नहीं। इतना उछल क्यों रही है तू? जब जब मेरा भाई मुझे मेरे हाथ में पैसे देता था तब तब तू हमेशा बीच में आ जाती थी, हमेशा बहुत टॉर्चर किया है तूने मुझे। आज तुझे सारा टॉर्चर सहना, सारा टॉर्चर। स्वाति, 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 इनहेलर, इनहेलर कहाँ है? स्वाति, ऐसे कैसे मर गए भैया? बचपन से आपकी इज्जत करूं सोचता रहा लेकिन नहीं कर पाया। आप मुझसे कनेक्ट ही नहीं हुए, क्या करता है? मार दिया। मुझे ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए भैया, आपके प्रति इज्जत नहीं। पीछा छूटा, अच्छा है पीछा छूटा। ये कौन है? देख लिया तुमने? देख लिया? तुम लोगों को जो झूठ मालूम है उसे ही सच मान रहे हैं, लेकिन तुम्हें सच नहीं पता वो यही है। उससे बदला लेने के लिए अब तक हम लोग यही हैं। जब तक वो मरेगा नहीं, हम लोग इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम लोग जाओ, तुम्हें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तभी मुझे डाउट हुआ था। अरे रुको यार। नहीं यार, पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। गलत है, बहुत गलत है। पैसों के लिए भाई और भाभी को मार दिया, वो उसका स्वार्थ था। लेकिन उस बेचारी मासूम बच्ची ने क्या किया था यार? पर पहले हमें अपनी जान बचानी चाहिए संजू। अगर यही सिचुएशन तेरे भाई बहन पर आती तो तू क्या चुप रहता? क्या तू अपना बदला नहीं लेता? Yes, this is correct. पहली बार ऐसी सोच वाला इंसान देखा है। इसकी बातों से दारू उतर गई, अब मैं दारू को छूंगा भी नहीं। Yes, तुमने बिल्कुल सही कहा, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे इंसान को मारना गलत नहीं होगा। पेपर्स कहां से आ गए? पकड़ा गया। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? आपके घर में काम करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं मुझे। सच में? उन डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं इतने दिनों से पागल कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ। आप कहां हो सर? यहाँ आपके घर में ही है सर। 5 मिनट में आपके पास पहुँचता हूँ। पेपर्स का ध्यान रखिएगा, वो मेरी लाइफ है। आजा 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 साले। प्रॉपर्टी चाहिए तुझे, बच्ची को मारा है ना तूने? आजा आजा यहाँ पे, बताता हूँ तुझे। सर आपने कहा था पेपर्स मिल गए, कहाँ है पेपर्स? अगर पेपर्स देते तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यार स्टोरी बनाई थी तूने, ड्रामा विद इमोशंस, लेकिन तेरी कहानी का ट्विस्ट तो मुझे समझ में आ ही गया। पता चल गया, पता चल गया तुम्हें। बहुत मैनेज किया कि किसी को पता ना चले, लेकिन फिर भी पता चल गया। कहीं तो गलती हुई है। कहाँ हुई है, कहाँ हुई है, कहाँ कहाँ कहाँ? साले, चोरी की गाड़ी को पेंट लगाकर अगर चलाएगा ना तो भी एक ना एक दिन उसका असली रंग बाहर आ ही जाता है, तो तू क्या चीज है? hey! आज तू नहीं बचेगा। hey! इसे अंदर लेकर के जाओ, जाओ। ठीक है भाई। चलो, 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 चलो।
अखबार में जो फोटो छापते हैं वो लोग हमें दिखते नहीं, फिर भी लोगों के दिल में छप जाती है वो तस्वीरें, हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में। आज मैं जो टॉर्चर करूंगा वो भी बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि टॉर्चर करने वाला मैं हूं। ए, तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं। बचपन में मेरा भाई हमेशा मुझे मारता था, पता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा गलतियां करता था। मारने वाला अपना था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया मुझ में बदले की आग बढ़ती गई और एक दिन मैंने उसे ऊपर भेज दिया। और वैसे भी मैंने तो सगे भाई को मार दिया, तुम तो पराए हो मेरे लिए, तुम्हें मारने में तो मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। एक बात बोलता हूँ सुन लो, पेपर्स यहाँ पे रख के चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम्हें ने चार पांच डायलॉग क्या मार दिए तो खुद को हीरो समझने लगा। मांगते ही तेरे हाथ में पेपर्स दे दूं, मुझे छोटा बच्चा समझ के रखा है तूने। तुझे और इन तेरे पेपर्स को उन लाशों के साथ जला दूंगा, लेकिन तेरे हाथ में ये पेपर्स आने नहीं दूंगा, समझा? कह रहे हो तुम? इतने दिन इतनी मेहनत करके ड्रामा इनके लिए ही तो किया था मैंने। तू चला जाएगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा, क्या समझा है तूने मुझे? रावण हूं मैं, आज तो मैं किसी को मारूंगा। मुंह पे थूक रहा है, डरने लगता तेरे को मेरे से? नहीं डरता है, थूकता ही जा रहा है। मुझसे डर नहीं लग रहा तेरे को? तीन मर्डर किए हैं और तेरे को मिला के चौथा होगा। जी, हमेशा खाता रहता है, बेवकूफ। चलो उठे। लकड़ी को जलाने पर आग बनती है, उसी आग पर पानी डालो तो कोयला बन जाता है, कोयला राख बनने के बाद हवा में मिल जाता है। तू क्या चीज है? पहले तो भूत थे, अब गुंडे भी हैं। सुपर! भूत सबको धोखा देता है, लेकिन मैं भूत को धोखा देता हूँ। सब लोग जान बचा के यहाँ वहाँ भाग रहे, तू ऊपर बैठ के दारू पी रहा है? सच में? अब देख। मैं भूत से नहीं, भूत मेरी दारू से डरता है। अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कर सकता हूँ, वीडियो नहीं। कहाँ है पेपर्स? पेपर्स कहाँ हैं? मिल गए। इन्हीं के लिए मैंने इतनी मेहनत की, आखिर मिल ही गए।
दूध पीकर बड़ा होने वाला तू इतने प्लान कर सकता है तो पॉइजन पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ कितने प्लान करूंगा इसके लिए। इस बेकार इंसान की वजह से इतना कुछ हुआ, कितनी तकलीफ दी है इसने मुझे, फिर भी मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल ही गया। आखिर क्या कर लिया तुमने मेरा? ए, पैसे मांगे थे नहीं दिए इसलिए मार दिया। इसकी बीवी बीच में आई उसे भी मार दिया। लाश को छुपा रहा था तो बच्ची ने देख लिया उसे भी मार दिया। जो भी मेरे बीच में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। क्या करूं मैं, मेरा कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है। ए, केरोसिन लेकर आ। अगर यहाँ आग लगाऊंगा तो मेरे अंदर की जो आग है ना वो बाहर आ जाएगी। लो। अगर तूने मुझे पैसे दे दिए होते तो आज तू जिंदा होता। दो गलतियां एक साथ ही करेगा। अब आगे क्या? तुम बोलो। अगले महीने शादी करें? तुम्हारी मर्जी। भूतों के घर में फर्स्ट नाइट चलेगा। तुम साथ में हो तो मुझे किसका डर है? इतना भरोसा है मुझ पर? बहुत ज्यादा भरोसा करते हो मुझे। वो देख कैसे मस्ती कर रहे। सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई इसलिए फिर से दारू शुरू कर दिए। तू अकेला ही खाएगा, मुझे नहीं देगा। चल चल यार जल्दी चल, नहीं तो हमें ये छोड़ के चले जाएंगे।